आज भारत उस स्केल पर काम कर रहा है जो 10-15 साल पहले तक अकल्पनीय लगते थे। भारत वो देश है जो दुनिया का नंबर वन स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। भारत वो देश है जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। साथियों, आज IMF, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और हर बड़ा एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत top 3 में होगा। साथियों, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तब देश गरीबी से तेजी से बाहर निकलता है। भारत में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से ऊपर आ गए हैं। भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ने के साथ ही हर भारतीय, हर परिवार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है और भारत के लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 10 साल पहले भारतीयों ने म्यूचुअल फंड में करीब 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। आज भारतीयों ने करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और भारत भी आत्मविश्वास से लबालब है। साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, यह आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है।
भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजोल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले दिनों आप में से जो हिंदुस्तान गए होंगे, आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है? यही होता है ना, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं, बस आपका मोबाइल फोन काफी है।